गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना संक्रमण पर कंट्रोल और रिकवरी के मामले में प्रदेश सबसे अव्वल रहेगा। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर एक मॉडल प्रदेश बनेगा। मध्य प्रदेश के गृह जेल विधि विधायी संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में बताया कि मध्य प्रदेश कोविड 19 संक्रमित मरीजों की रिकवरी में अव्वल है। मध्य प्रदेश के लिए राहत भरी खबर है कि 7264 नए प्रकरण आए और 12233 प्रकरण में मरीज ठीक होकर घर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में 5 जिले ऐसे हैं जहां 50 से कम नए प्रकरण आए हैं, दतिया, भिंड, मुरैना, अशोकनगर, गुना जिनमें मुख्य हैं। उन्होंने 18 प्लस वाले युवाओं से रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुक करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, स्लॉट बुक करने के बाद कई युवा टीकाकरण के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में आज जो नए प्रकरण आए वो 7264 केस ऐसे थे जो नए आए थे। राहत भरी मैंने इसलिए कहा कि 12233 प्रकरण ऐसे थे जिसमें लोग ठीक होकर के अपने घर के लिए वापस गए। हम अगर कोरोना की दृष्टि से देखें तो 5 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां नए प्रकरणों में 50 से कम केस आए हैं। उसमें ग्वालियर है, क्षमा करें दतिया है, भिंड है, मुरैना है, अशोकनगर है और गुना है। ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर के कम केस आए हैं, 50 से भी कम। हम अगर देखें तो हमारे टेस्ट 68,000 से ऊपर कल मध्य प्रदेश के अंदर कराए। उसके बाद राहत भरी खबर आई, पॉजिटिविटी भी हमारी 11% के आसपास पूरे मध्य प्रदेश की आ गई। हमारी रिकवरी रेट मध्य प्रदेश के अंदर 85% से ऊपर रिकवरी रेट हो गई। मध्य प्रदेश के अंदर सुखद बात यह है कि 85% लोग होम आइसोलेशन में ठीक हुए हैं और ये जो 80,000 लोग वर्तमान में होम आइसोलेशन में हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।